हिंदी साहित्य के मशहूर कवि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, जो बीत गई सो बात गई। जो बीत गई सो बात गई, माना हुआ बेहद प्यारा था। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे। जो टूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। ज़िंदगी में आगे बढ़ते हुए बहुत सारी चीज़ें हमारी और आपकी पीछे छूट जाती है। हताशा निराशा के पलों को संभालते हुए हम और आप जिंदगी की इस गाड़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। कहते हैं, गम और हताशा के क्षणों में अगर आप अपने मान अभिमान और गुमान के साथ मुस्कुराते रहते हैं, तो इसका अर्थ है कि ज़िंदगी जीना आपको आता है। एक और हिंदी साहित्य के कवि हैं डॉक्टर गोपाल दास नीरज। वो लिखते हैं, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। जीवन क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आँख का पानी। लौकी उम्र घटाने वाले, तमकी उम्र बढ़ाने वाले। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। ये माना कि हमारी और आपकी ज़िंदगी में कुछ हथेलियाँ छूट गई और स्मृतियों के साए में सुखद एहसास हर पल आहट देती रहती है, मगर ये ज़िंदगी है, इसमें कदम मिलाकर आगे चलना होता है और उन यादों को अपने मन मस्तिष्क के अंदर समेटे हुए आगे बढ़ना होता है। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हंसते मुस्कुराते अपने आसपास के परिवेश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हुए ज़िंदगी को आगे बढ़ाएं। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का रहस्य भी और यही ज़िंदगी का फलसफा भी। सुन रहे थे ज़िंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।